समीरन मेरा नाम है और शेयरिंग मेरा काम है। चलिए दोस्तों थोड़ा घूमते हैं। दोस्तों बंगला में एक कहावत है, लज्जा घिनना भय तीन थकते नए। तो बोलने का मतलब ये तीनों चीजें अगर किसी में रह गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ कर रहा है, तो लज्जा घिनना भय ये तीनों चीजों को आपको छोड़ना होगा। और मैं भी एक आम आदमी हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ, फैमिली मैन हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए अलग से कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मुझे टोपसिया जाना है और मैं बाईपास के ऊपर से जा रहा हूँ। किस्मत से ये दोनों सिग्नल मुझे खुला मिल गया। दोस्तों जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा था, तब से मुझे मोटो ब्लॉगिंग वाला चैनल ही बनाना था, क्योंकि मुझे राइडिंग बहुत पसंद है। लेकिन शुरू करने के बाद मैंने देखा कि उतना आसान नहीं होता है जैसा जितना मोटो ब्लॉगर को देख के मुझे आसान लगता था, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर रहता है अंदर। दोस्तों ये अजय नगर सिग्नल है, जो लोग इधर से रोज जाते हैं उनको अच्छे से पता है ये वाला। तो जैसा मैं बोल रहा था कि मोटो ब्लॉगिंग में बहुत सारा फैक्टर रहता है, जैसे इसका ऑडियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं भी जैसे गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा ऑडियो कितना साफ आ रहा है। वैसे दोस्तों नया कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं शुरू में ही परफेक्ट चीज़ बनाऊंगा जिसमें कोई नुक्स नहीं रहेगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपका काम अभी कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पर ही हूँ। दोस्तों ये रूबी सिग्नल है, हाल ही में इसका नया नाम दिया गया है, रूबी ठाकुरेर मोड़। इधर लेफ्ट साइड पे कौशबा तो क्या गोड़ियाट जा सकते हैं, और राइट साइड पे रूबी हॉस्पिटल था। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि बकबक करना तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन बकबक करना और अकेले बात करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मोटो ब्लॉगिंग चैनल शुरू करने के बाद मुझे ये पता चला, क्योंकि जब हम अकेले बात करते हो तो सवाल करने वाले और जवाब देने वाले दोनों ही आप ही हैं, और खास करके जब आप मोटो ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना होता है। सबसे ज़रूरी रास्ते पे फोकस करना, क्योंकि कौन सा गाड़ी किधर से आ रहा है, आप किधर से सही जा रहे हो या नहीं, सिग्नल कहाँ पे रेड है कहाँ ग्रीन है, और साथ में आप क्या बोल रहे हैं उस पर। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो रास्ता दूसरा दिन से फाका ही है। अब आगे कुछ बड़ा बड़ा सिग्नल्स है, उसमें देखते हैं सिग्नल खुला मिलता है या रास्ता ट्रैफिक से भरा रहता है। तो ये जो सिग्नल मैंने अभी पार किया, ये सिग्नल दूसरा दिन ऐसे डायरेक्टली ग्रीन नहीं मिलता है, आज किस्मत से मिल गया। मुझे तो इसके पीछे एक ही वजह समझ में आता है कि आज सैटरडे है। ये बाएं तरफ मैं पार किया, जहाँ से यहाँ पे एक सिग्नल था, उस कड़ी का पुख्ता सिग्नल था, और यहाँ से एक इंटर्न लेने का जगह नया बना हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए, दोस्तों अभी तो जैसे रेस जैसा शुरू हो गया,
इस सिग्नल पे सभी टू व्हीलर आगे बढ़ने के चक्कर में है। मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, चलिए अभी मेरा स्पीड 60 करीब है। यहाँ पे इससे ज्यादा तेज नहीं भगा सकता, आगे रास्ता बहुत खराब है। और ये तोपसिया जाने का रास्ता है। थोड़ा राइट पकड़ के चलते हैं क्योंकि बाएं तरफ रास्ता बहुत खराब है और ये राइट साइड वाला रास्ता देख सकते हैं अच्छा है। दोस्तों अभी ये सिग्नल भी ग्रीन मिल गया और सामने एटमोस्फियर बिल्डिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं उसी के पास से गुजरूंगा जो फ्लाईओवर है सामने आगे। तो कोशिश करूंगा जितना नजदीक से हो सके, जितना अच्छे से हो सके आप लोगों को ये बिल्डिंग दिखाता हूँ अभी। चलिए रास्ता बीच बीच में इतना खराब है क्या बोले दोस्तों, वो दिख रहा होगा वो। चलून दादा चलून, वो रहा एटमोस्फियर बिल्डिंग, बीच का वो जॉइंट देख लीजिए दोस्तों। पता नहीं कितना मैं कैप्चर कर पाया, चलिए जो भी है अभी मैं लेफ्ट ले लेता हूँ क्योंकि आज मुझे माफ लाई होगा कि ऊपर से नहीं जाना है तो उपचिया होकर जाना है, तो ये मैंने ले लिया लेफ्ट। और सामने वो रहा आईटीसी सोनार बंगला, नहीं आईटीसी होटल है। ये साइंस सिटी क्रॉस कर चले और अभी सीधा जाएंगे आगे तोपसिया। तो दोस्तों जहां मुझे पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया, तोपसिया मोड़ है, मुझे इधर कुछ काम है। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।